धीरे ही सही, लेकिन हमेशा चलते ही रहो, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लग जाता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। ज्ञान जहाँ से भी मिले ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही आपको इज्जत और शोहरत दिलाएगा। हर इंसान को नमक की तरह होना चाहिए, जो भोजन में रहता है मगर दिखाई नहीं देता, और अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन ज़माना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। दुनिया का बस यही उसूल है कि जब तक काम है तब तक ही नाम है, बाकी दूर से ही सलाम है। रिश्तों की बगिया में एक रिश्ता नीम के पेड़ जैसा भी रखना, जो सीख भले ही कड़वी देता है पर तकलीफ में मरहम भी बनता है। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी तीन बातें जान सके, हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, और आपके चुप रहने की वजह। नींद भी क्या गजब चीज है, अगर आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी है जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में दो बार सही समय बताती है। रिश्ते बने रहे इतना ही बहुत है, सब हंसते रहे इतना ही बहुत है, हर कोई हर वक्त साथ नहीं रह सकता, याद एक दूसरे को करते रहे तो इतना भी बहुत है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। इसी तरह विचार भी अच्छे हो मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। जीवन में जो भी करो पूरे समर्पण के साथ करो, प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक से चलता है। गुस्से में आदमी बेकार की बातें तो करता है, पर कई बार दिल की बात भी कह जाता है। लोग जब अनपढ़ थे तो परिवार एक हुआ करते थे, मैंने टूटे परिवारों में अक्सर पढ़े लिखे लोग ही देखे हैं। रक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते। टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है, हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। चालाकी चतुराई लुच्चाई जैसे मिश्रण को ही आजकल होशियारी कहा जाता है। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है तब इंसान बहु रुपया हो जाता है। शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर लोग तो इस बात का भी मजाक बनाते कि गरीब था इसलिए मर गया। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद यदि नल बंद ना करो तो पानी व्यर्थ हो जाता है। जरूरी नहीं हर गिफ्ट कोई चीज ही हो, प्रेम परवाह और इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट हैं, किसी को देकर तो देखो। खुदा सलामत रखना उन्हें जो हमसे नफरत करते हैं, प्यार न सही नफरत ही सही, कुछ तो है जो वो सिर्फ हमसे करते हैं। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला, उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान ना मिला। यह जरूरी नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसा होना चाहिए कि इंसान जहाँ भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। खता उनकी भी नहीं यारो, वो भी क्या करते, बहुत चाहने वाले थे उनके, किस किस से वफा करते। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ,
क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती है, लेकिन वह प्रार्थना करने वाले को जरूर बदल देती है। विचार करो फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। दोनों तरफ से रिश्ते निभाए जाए, वही रिश्ता कामयाब होता है। एक तरफ से सेक कर तो रोटी भी नहीं बनाई जाती है। जिंदगी में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, कुछ कहने की भी और चुप रहने की भी। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। रिश्तों की डोरी तब कमज़ोर होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब खुद ही बना लेता है।